अभी अभी खबर मिली है कि स्वामीनाथ आश्रम के फाउंडर स्वामी जी को एक जेल से भागे हुए क्रिमिनल के कत्ल के जुर्म में अरेस्ट किया गया है। शराफत के चोगे में छिपे इस शैतान का असली चेहरा देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। ये तो उस मिश्री के आश्रम की बात हो रही है। बाबा ने कुछ नहीं किया सर, आप प्लीज सर समझिए सर। मेरे साथ यहाँ बहस करके अपना टाइम बर्बाद मत कीजिए। अगर कुछ करना ही है तो जाके अच्छा सा वकील ढूंढिए। दिवाली आने वाली है और त्योहार पर कोई ऐसे मुंह लटकाता है क्या? श्री बेटा, एक वादा कर बेटा, जो कुछ भी हुआ है ना, उससे आश्रम की दिवाली फीकी नहीं पड़नी चाहिए। तुम लोग दिवाली धूमधाम से मनाओगे। पर बाबा, आपके बिना? मेरे बिना नहीं बेटा, मेरी खातिर, मेरे बच्चों की आंखों में आंसू नहीं, दिवाली के दियों की चमक होनी चाहिए बेटा। वादा कर मुझसे, वादा कर बेटा। जी बाबा, ये हमारा पहला वादा है और दूसरा वादा ये है कि आप भी राम जी की तरह अपना वनवास काटकर जल्द ही आपकी अयोध्या वापस लौटेंगे। मैडम जी, बाबा कहीं जेल से बाहर तो नहीं निकल आएंगे ना? अगर हमारा तीर निशाने पे नहीं लगा तो? वो बात कुछ ऐसी है ना कि साक्षी महारानी के तीर से आके लगना निशाने की जिम्मेदारी होती है और वो जिम्मेदारी निशाना अच्छे से निभाता है और हमेशा निभाएगा भी। शायद डरता है हमसे सबकी तरह बेचारा, और फिर भी अगर हमको कोई दिक्कत आई तो तुम अपनी जिम्मेदारी निभा लेना, समझी? शाबाश। बचा लिया। बच गए, रुक गए, बच गए, बच गए, बच गए। सर, आपसे एक सवाल पूछूं? पूछो। सर, आप उस लड़की से इतना डरते क्यों हैं? नहीं, मेरा मतलब है आप गाड़ी इतना तेज तेज चला रहे थे ना, मेरी तो हवा ही टाइट हो गई सर। मुझे लगा कहीं उस लड़की को इग्नोर करने के लिए। हाँ, सारा दिमाग इन्हीं बातों में खर्च कर दिया या कोर्ट के लिए भी कुछ बचा के रखा? क्या पंच मत। शट अप। मैं गाड़ी फास्ट इसलिए चला रहा था क्योंकि कोर्ट टाइम पे पहुंचना था, इसलिए नहीं क्योंकि किसी को अवॉइड कर रहा था। क्या आप उसे दोबारा मिलना चाहते हैं? है ना, है ना? Yes? No, no, no. No. ना ही मैं उसे मिलना चाहता हूँ ना ही उसे अवॉइड कर रहा हूँ, वो मेरे लिए मैटर नहीं करती। ठीक। बाय द वे, ये उसकी बड़ी याद आ रही। आपको भी आएगी सर। गंदा लगा है सर। सॉरी। क्या याद आ रही है? क्या आया? सर, सर हम आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर, प्लीज सामान जाइए ना सर, प्लीज।
देखिए मैडम, आप अपना टाइम वेस्ट कर रही हैं। सारे सबूत स्वामी जी के खिलाफ है, कोई भी वकील ये केस नहीं लड़ेगा। सर, सर प्लीज। पांच वकील मना कर चुके। क्या सच्ची में पापा का केस कोई नहीं लड़ेगा? अर्जुन, क्या ये हमारी है? वकीलों, काम पक्का करता हूँ। 175 रुपए, ये मेरे एक सेकंड की भी कीमत नहीं है। फिलहाल तो मेरी प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ तुम हो। इनसे मदद नहीं मांग सकती, वरना हमारी मजबूरी की भी कीमत लगा देंगे। मिस्त्री, खत्री साहब, ये मिस्त्री है। नमस्ते, अशोक खत्री। ये बाबा का केस लड़ने के लिए मान गए मिस्त्री। आप कहाँ लेकर जा रहे हैं? हथकड़ी उतारिए। जब अब तक कुछ प्रूव ही नहीं हुआ है, तो हम ऐसे कैसे कर सकते हैं? ये क्या शोर मचा रखा है? ओह, तो आप वकील को लेकर आई हैं? मिश्री, एक मिनट, मेरा नाम अशोक खत्री है। तो खत्री साहब, जरा समझाइए अपनी मैडम को कि कोर्ट में पेशी होने तक आपके क्लाइंट हमारी जिम्मेदारी है, और इन्हें कहाँ रखना है ये हम तय करेंगे। ये बिल्कुल सही कर रहे हैं मिश्री, अभी हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कोर्ट में हम चुप नहीं रहेंगे। चुप रहना पड़ेगा वकील साहब, क्योंकि सबूतों के साथ साथ हमारे पास एक चश्मदीद गवाह है, उसने खुद अपनी आंखों से खून होते हुए देखा है। क्या? कौन है ये झूठा गवाह? आप ही के आश्रम में रहती है प्रिया, वो खुद बयान देने आई थी यहाँ पर। तिवारी, क्या है ये? फूल और मंगाओ, माँ तीरथ से लौटेंगी ना तो फिर खिलाएंगी तुमको प्रसाद। चलो जल्दी करो, जाओ। अरे ये तो ठीक है, फूल आए कि नहीं? खा, खा, खीर खा, नहीं कुछ खा, 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 खोया, खोया, नहीं खरगोश। खरगोश? राम भला करे, दिमाग को जलेबी के साथ फ्राई कर दिया का? अरे खजूर, खजूर लाए कि नहीं? भूल गए। खजूर कहीं के? एक काम बोला था वो भी ठीक से होता नहीं है, कितनी बार बता। यशोदा जी, दिवाली है, होली नहीं जो अपना चेहरा लाल पीला हरा नीला काला मतलब गुलाबी कर रही है। चांदी का बर्तन धुलवाया कि नहीं अभी तक? अरे बर्तन को छोड़िए आप बल्लू जी, भैया कुछ कह रहे थे। चलो खरगोश ढूंढ के आओ, कहाँ गया खरगोश? खजूर, रुको, ये फोटो कहाँ लेकर जा रहे हो? किसी का उतारने के लिए? मालकिन साहब ने बुलाया। साहब ने? इसे यहीं पर रहने दो, तुम जाओ। ये फोटो माँ के लिए कितनी खास है, फिर भी क्यों उतरवाई आपने? कल्पना, हर दिवाली माँ इस तस्वीर को देखकर उदास हो जाती है। माँ का उदास होना हमें अच्छा नहीं लगता, इसलिए राधे श्याम से हमने कहा कि इस तस्वीर को उतार दे। पर माँ के मन में जानू की तस्वीर लगी है, उसे कैसे उतरवाएंगे? दिवाली उनका मनपसंद त्योहार था ना? हाँ, मुझे अभी भी याद है। इतनी सी थी, जिद करके माँ के साथ जाके ढेरों दिए लेकर आती थी, पर कहाँ जानती थी वो कि ये घर जगमगाता है, तो उन दियों की वजह से, उसकी वजह से अब हर साल माँ दिए जलाती है, पर जलती वो खुद है।
काजी जी, अरे तुम तो दुलाती दुलाती, राम भला करे, दुलाती तो हमरे भाग्य को लगी है। दुलाती नहीं बबलू जी, दुखी पेन। अरे हाँ बाबा जी जी, आप ऐसे दुखी होती है ना तो हम भी इमोशनल हो जाते हैं। नहीं यशोदा, हम बिल्कुल दुखी नहीं, क्योंकि हमारे मन में विश्वास है कि अनु जरूर लौट के आएगी। और माँ इसीलिए तो यात्रा के लिए गई है, और हमें पूरा विश्वास है कि इस बार परमेश्वर उनकी प्रार्थना को जरूर सुनेंगे। हाँ गड़बड़ा, इस बार हमारी प्रार्थना जरूर स्वीकार होगी, अनु जरूर लौटेगी। प्रिया, प्रिया! क्या हुआ, चिल्ला क्यों रहे हो? और तुम लोग तो बाबा को जेल से छुड़वाने गए थे ना। ये नाटक बंद कर, समझी? झूठी गवाही देकर बाबा की तरह हम सबको भी अंदर करवा देगी। मेरी गवाही झूठी नहीं है। और ये इतने ड्रामेटिक लुक्स देना बंद कर। इनफैक्ट पापा डिस्टर्ब करते हैं जेल जाना। गलती तो बाबा की है प्रिया, कि बाबा ने तेरी सारी गलतियां माफ कर दी, वरना आज उन्हें ये दिन नहीं देखना पड़ता। बेकार की डायलॉग बाजी मत कर, बाबा ने ही दुबे का मर्डर किया है, मैंने खुद देखा है। देखा तो बताया क्यों नहीं फिर? मानती, तुम में से कोई भी मानता, तुम सबका बाबा ने ब्रेन वॉश किया हुआ है। बाबा ने गलती की है, बहुत बड़े फ्रॉड है, क्रिमिनल है, झूठे है। विकास, ये बाबा के बारे में न जाने क्या क्या बोले जा रही है। सब कुछ झूठ है, हम सब जानते हैं, तू बोलने दे इसको। मैं सच बोल रही हूँ, झूठ नहीं। और जो सच था मैंने पुलिस को बता दिया। सच तो तू बचपन से लेकर आज तक बोलना नहीं सीख पाई है प्रिया, परमेश्वरी माइंड नहीं करेगी। बस एक बार हम बाबा को यहाँ वापस लेकर आए, फिर तुझे सब कुछ सिखा देंगे। बिहेव तो ऐसे करती है जैसे इस आश्रम की रानी हो। इसे क्या पता कि इसकी टक्कर महारानी, आई मीन साक्षी महारानी से हुई है। वो किसी को नहीं छोड़ेंगी। सर प्लीज, हमारे बाबा का केस लड़िए सर, प्लीज मान जाइए सर। ओके फाइन, लेकिन मैं हर एक हेयरिंग का 50,000 रुपए लूंगा। 50,000? ये पैसे कहाँ से लाएंगे? वो भी वकील बताएगा। थैंक्स अर्जुन, अब तुम्हें नहीं समझाना। नो थैंक्स, मुझे अपना टाइम वेस्ट करने का कोई शौक नहीं। आपने कहा था कि केस में कोई विटनेस नहीं है, लेकिन यहाँ आपके आश्रम की लड़की ही गवाह बन गई है। सर, सर उसने झूठी गवाही दी है सर, आप प्लीज केस मत छोड़िए, हम प्रिया को समझा देंगे सर। सॉरी मिश्री जी, अब कोई फायदा नहीं है। मैं क्या शहर का कोई भी लॉयर अब स्वामी जी को नहीं बचा सकता। सर ऐसे मत कहिए सर, सर प्लीज हमारी हेल्प कर दीजिए, हमारे पापा को। हेलो, हेलो, दीदी देखो ये मैंने कलर किए है, बाबा ने कहा था दिवाली पे हैप्पी कलर्स के दिए जलाएंगे तो माता रानी हमारे लाइफ में हैप्पी कलर्स भर देंगी। ये आपका और ये बाबा का, अच्छा है ना? बाबा शाम तक आ जाएंगे ना?
तू एक काम कर, तू ना ऐसे और दिए तैयार कर, एक दो टूट गए तो, है ना? जा, मैं अभी बना कर आता हूँ। हमारे बाबा का केस लड़िए सर, प्लीज मान जाइए सर। ओके फाइन, लेकिन मैं हर एक हेयरिंग का 50,000 रुपए लूंगा। 50,000? ये पैसे कहाँ से लाएंगे? वो भी वकील बताएगा। थैंक्स अर्जुन, अब तुम्हें नहीं समझाना। नो थैंक्स, मुझे अपना टाइम वेस्ट करने का कोई शौक नहीं। क्यों कर रही है विकास? काश हमें दुबे की सच्चाई पहले पता होती। बाबा की वजह से हमें प्यार मिला, परिवार मिला, हमारी जिंदगी मिली, मगर अब उन्हें इंसाफ मिलेगा और सबसे पहले हम उन्हें जेल से निकाल कर रहेंगे। पर अब हम उनके लिए वकील कहां से लाएंगे? कोई तो होगा जो किसी अच्छे वकील को जानता हो, जो हमारी मदद कर सके। चार दिन हो गए अभी तक आपने फोटो तैयार नहीं की। नहीं, दिवाली तक नहीं, मुझे फोटो आज ही चाहिए। जी, आप एक काम कीजिए, अपने मैनेजर से बात करके मुझे तुरंत फोन कीजिए। भाई साहब तो ऐसे इंतजार कर रहे हैं जैसे अनु की फोटो नहीं, खुद अनु ही आने वाली है। देखो कहीं वो फोटो लेके तो नहीं आया। जी भाई साहब। अरे बेटा तुम कौन है? भाई साहब मिश्री आई है। श्री बेटा तुम? अरे मिश्री अंदर आओ, बाहर क्यों खड़ी? आप इतने दिनों के बाद याद आई तुमको मेरी? वो बात ये है अंकल जी की। ये सब बातें छोड़ो, सबसे पहले मुझे ये बताओ कि तुम खाओगी क्या और पियोगी क्या? चाय पहले? हमें आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ। शहर के जाने माने अनाथ आश्रम के फाउंडर को फ्रॉड और मर्डर के केस में गिरफ्तार किया गया है। ये माता रानी, अब अनाथ आश्रम में भी ऐसे काम होने लगे? जरा उन बच्चों की सोचो जिसे ये आदमी ढाल बनाकर इस्तेमाल कर रहा है। ऐसे आदमी को तो हमेशा हमेशा के लिए जेल के पीछे डाल देना चाहिए। ये भी तो हो सकता है ना कि उन्हें कोई फंसा रहा हो, उन्हें भी तो अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए ना। मौका नहीं मिश्री, ऐसे लोगों को ना सजा मिलनी चाहिए। सच जाने बिना? अरे बेटा सची तो है, जो टीवी चैनल्स में दिखा रहे हैं वो तो सची होता है, और वो लोग भी तो बिना जांचे परखे ऐसा तो नहीं दिखा सकते ना। मिश्री बेटा ठीक तो? जी अंकल जी, हम चलते हैं। अरे मिश्री तुम अभी अभी तो आई हो, इतनी जल्दी कैसे जा रही हो? सॉरी अंकल जी, हम फिर आएंगे। नमस्ते। बेटा मिश्री, लेकिन
बारे में पहले बात कर चुके हैं, अब बात करने का कोई फायदा नहीं। सर प्लीज सर, सर सर वही लड़की है, आप हमारी हेल्प कर दीजिए सर प्लीज सर। सर हम जानते हैं कि आप सिर्फ दिवाली पूजा के लिए कोर्ट आए हैं, पर हम आपका ज्यादा टाइम नहीं लेंगे सर। सर प्लीज हमारे बाबा का केस लड़िए सर, प्लीज मान जाइए सर। ओके फाइन, लेकिन मैं हर एक हियरिंग का 50,000 रुपए लूंगा। 50,000? वो पैसे कहाँ से लाएंगे? वो भी वकील बताएगा। थैंक्स अर्जुन, अब तुम ही नहीं सुलझा। नो थैंक्स, मुझे अपना टाइम वेस्ट करने का कोई शौक नहीं। इससे हेल्प मांगी, ज्यादा से ज्यादा मना ही तो करेगा। चुपचाप चली गई। बाबा का सवाल है, कोशिश तो करे। सुनो, जबरदस्ती आश्रम खाली करा रहे हैं। ये सब क्या है सर? कोर्ट ने आश्रम सील करने का ऑर्डर दिया, आप खुद देख लीजिए। सामान बांधिए, आपको जल्दी से दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा। अब ये आश्रम गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। अगर वो आपसे इतना रिक्वेस्ट कर रही थी तो आपने उसकी हेल्प क्यों नहीं की? अगर तुमने उस लड़की से इतनी हमदर्दी है तो उसका केस तुम ही क्यों लड़ लेते? एक बात बोल, वो लड़की सचमुच बहुत प्रॉब्लम है, आपको उसकी हेल्प करनी चाहिए सर। विकास, क्या हुआ? ये लोग जबरदस्ती आश्रम खाली करा रहे हैं। ये सब क्या है सर? कोर्ट ने आश्रम सील करने का ऑर्डर दिया, आप खुद देख लीजिए। सामान बांधिए, आपको जल्दी से दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा। अब ये आश्रम गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। अगर वो आपसे इतना रिक्वेस्ट कर रही थी तो आपने उसकी हेल्प क्यों नहीं की? अगर तुमने उस लड़की से इतनी हमदर्दी है तो उसका केस तुम ही क्यों लड़ लेते? एक बात बोल, वो लड़की सचमुच बहुत प्रॉब्लम है, आपको उसकी हेल्प करनी चाहिए सर।